वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वॉचिंग विद स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेटाकार्पल बोन को, और मेटाकार्पल की ये प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर अभी तक आपने थियोरेटिकल वीडियो नहीं देखी मेटाकार्पल की तो आप वीडियो देख सकते हैं, और ये कैटल की मेटाकार्पल है। तो इसका आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे जो भी हमने बातें थ्योरी में डिस्कस करी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑक्स के अंदर हमारी दो मेटाकार्पल बोन प्रेजेंट होती हैं। पहली हमारी लार्ज मेटाकार्पल होती है और दूसरी हमारी स्मॉल मेटाकार्पल होती है। दोनों ही बोन्स हमारी फ्यूज्ड होती हैं। देखते हैं कैसे ये दोनों बोन्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज मेटाकार्पल बोन की। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि लार्ज मेटाकार्पल बोन को हम कैनन बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये जो बोन आपको दिख रही है कम्प्लीटली लार्ज मेटाकार्पल बोन है। इसी के साथ ये पीछे हमारी जो छोटी सी बोन है, ये ऐसा माना जाता है कि ये वाली बोन हमारी स्मॉल मेटाकार्पल है और ये फ्यूज्ड है इसके साथ, ठीक है। ये अलग से ये आपकी बोन है, ठीक है, एक ही बोन नहीं है, तो ये फ्यूज्ड है। अब जो पूरी लार्ज मेटाकार्पल आपको ये दिख रही है, ये बोन हमारे फ्यूजन की वजह से ये बोन फॉर्म होती है। अब फ्यूजन किसका होता है? थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल के फ्यूजन की वजह से ये आपकी लार्ज मेटाकार्पल जो है ये आपकी फॉर्म होती है। अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं, ये इस बात को प्रूव करने के लिए भी यहाँ पर आप देखते हैं कि ये एक वर्टिकल ग्रूव प्रेजेंट होती है। वर्टिकल ग्रूव प्रेजेंट है, डिप्रेशन प्रेजेंट है, जो कि एक्सटर्नली ये प्रूव करता है कि ये जो बोन है ये दो बोन के फ्यूजन की वजह से बनी है। ये जो ग्रूव है आपको यहाँ पर ये विजिबल होगी, ठीक है, ये डिप्रेशन आप देख सकते हैं। अब ये तो हो गई एक्सटर्नल बात। इंटरनली भी अगर मैं बात करूं तो इस बोन के अंदर हमारी दो मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती हैं, जो कि ये बताती हैं कि ये बोन हमारे दो बोन के फ्यूजन की वजह से बनी है। अगर मैं बात करता हूँ इसके शाफ्ट की, तो शाफ्ट इसका हमारा रफली सिलेंड्रिकल होता है। ये जो पूरा शाफ्ट है ये रफली सिलेंड्रिकल होता है। इस पूरी बोन के अंदर ये शाफ्ट है और दो एंड हैं, इनके बारे में ही हम बात करेंगे। ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये वाला हमारा डिस्टल एंड है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एंड की बात करेंगे, डिस्टल एंड की बात करेंगे और इस शाफ्ट की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शाफ्ट से। तो शाफ्ट में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको सरफेसेस दिख रही हैं। यहाँ पर सिर्फ दो ही सरफेस के बारे में हम बात करेंगे। दो ही सरफेस हमारी यहाँ पर होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर सरफेस है अभी मैं आपको बताऊंगा, वो ब्लेंड कर जाती है लेटरल और मीडियल के साथ, इसलिए लेटरल और मीडियल सरफेस को हम अलग से नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एंटीरियर सरफेस की। तो ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये आपकी है एंटीरियर सरफेस। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये आपकी एंटीरियर सरफेस ही मानी जाती है। एंटीरियर सरफेस हमारी स्लाइटली कॉन्वेक्स है, ठीक है, और कॉन्वेक्स होने के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी ब्लेंड करती है लेटरल और मीडियल सरफेस के साथ, ठीक है। तो ये एंटीरियर सरफेस की बात हो गई। अब एंटीरियर सरफेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पर आपकी वर्टिकल ग्रूव प्रेजेंट होती है। वर्टिकल ग्रूव प्रेजेंट होती है एंटीरियर सरफेस पर। इसके अलावा यहाँ पर फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। दो फोरामेन प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड के पास प्रॉक्सिमल फोरामेन होगा और डिस्टल एंड के पास डिस्टल फोरामेन होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ फोकस करके कि जो प्रॉक्सिमल फोरामेन है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता नहीं है। तो हो सकता है आपको दिख रहा होगा ये है प्रॉक्सिमल फोरामेन, और डिस्टल फोरामेन बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो ये वाला जो है ये है आपका डिस्टल फोरामेन। ये फोरामेन पोस्टीरियर सरफेस पर भी आपके कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं प्रॉक्सिमल, बट डिस्टल वाला आप देख सकते हैं बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फोरामेन की बात। इसके अलावा हमने एंटीरियर सरफेस हमने पूरी डिस्कस कर ली, जिसके अंदर हमने बताया कि एंटीरियर सरफेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी एंटीरियर सरफेस आती है। अब एंटीरियर सरफेस के जस्ट अपोजिट हमारी कौन सी सरफेस होती है? पोस्टीरियर सरफेस। तो ये वाली आपकी क्या है? पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस पे आप क्या देखेंगे? पोस्टीरियर सरफेस सबसे पहली बात फ्लैट होती है, ठीक है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको फ्लैट देखने के लिए मिलेगी सरफेस। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्रॉडर होती है दोनों ही एंड पर। अगर आप एंटीरियर को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो एंटीरियर वाली कंपेरेटिवली ज़्यादा ब्रॉडर नहीं है, ठीक है, बट पोस्टीरियर वाली हमारी ब्रॉडर होती है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपकी एक वर्टिकल ग्रूव प्रेजेंट होती है, जैसे कि एंटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट थी, बट यहाँ पर उतनी वो प्रोमिनेंट होती नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पोस्टीरियर सरफेस पे आपका सुपीरियर सिस्मोइडियन लिगामेंट यहाँ पर आपका आता है। देखिए, मैंने यहाँ पर ये लिख भी रखा है, सुपीरियर सिस्मोइडियन लिगामेंट को ये क्या करती है? अकोमोडेट करती है, ये वाली सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस आपकी, ठीक है। तो ये दोनों आपकी सरफेसेज हो गई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं आपके एंड्स की।
पहला है प्रॉक्सिमल एंड और दूसरा है ये वाला है आपका डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड आपको पता है किससे अटैच होगा, प्रॉक्सिमल एंड आपका अटैच होता है कार्पल से, और कार्पल से ये अटैच हो जाएगा। तो डिस्टल एंड किससे अटैच होगा, डिस्टल एंड अटैच होता है आपका फर्स्ट फैलिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सिमल एंड की। तो प्रॉक्सिमल एंड को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके दो आर्टिकुलर फैसेट्स, ये जो सर्फेसिस हैं, ये दो आर्टिकुलर फैसेट आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेटरल वाला मतलब लेटरल होता है और एक मीडियल होता है। अगर आप देखेंगे तो लेटरल वाला हमारा स्मॉलर होता है और मीडियल वाला आपका लार्जर होता है, और जो लार्जर वाला है वो आपका आर्टिकुलेट किसके साथ करेगा, जब लार्जर है तो सेकंड और थर्ड फ्यूज्ड कार्पल बोन के साथ अटैच हो जाएगा, और जो मीडियल वाला है वो आपका फोर्थ कार्पल बोन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देख करके आपकी जो प्रॉक्सिमल एंड है वो खत्म होता है। इसके बाद बात करते हैं डिस्टल एंड की। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका डिस्टल एंड। डिस्टल एंड को अगर आप देखते हैं तो ये आपका डिवाइडेड है, देख सकते हैं आप, ये आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। अभी जो दो पार्ट में डिवाइडेड है ये किस लिए डिवाइडेड है, ये एक क्लेफ्ट ने दो पार्ट में डिवाइड करा है। अब किस लिए करा है वो मैं बताऊंगा। ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, एक मिनट, ये जो मैं क्लेफ्ट बोल रहा हूँ, ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है ना, दिस इज क्लेफ्ट। ठीक है, ये एरिया क्या है, क्लेफ्ट। इस एरिया ने इसे एंड को दो पार्ट में डिवाइड करा। अब दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों कॉन्डाइल्स बन गए। ठीक है, ये दोनों कॉन्डाइल्स हैं। अब ये एक कॉन्डाइल, ये एक कॉन्डाइल, अब कॉन्डाइल भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, फोकस किया तो दोनों कॉन्डाइल भी दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्डाइल को दो पार्ट में किसने डिवाइड करा, एक रिज ने डिवाइड करा। ये जो आपको ये दिख रही है ना, दिस इज रिज, इस रिज ने दोनों कॉन्डाइल को दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपका जो ये एंड है, ये क्लेफ्ट ने दो कॉन्डाइल में डिवाइड करा, दोनों कॉन्डाइल भी हमारे डिवाइड हो गए, एक रिज ने उन्हें दोनों आर्टिकुलर सरफेस एरिया के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो कॉन्डाइल्स हैं ये आर्टिकुलेट किसके साथ कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फर्स्ट फैलिंग्स के साथ ये आर्टिकुलेट करते हैं। फर्स्ट फैलिंग्स हमारी यहाँ पर अटैच हो जाती हैं विद देयर प्रॉक्सिमल एंड। अब इनके जस्ट अपोजिट मतलब पोस्टीरियर सरफेस, ये तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, एंटीरियर सरफेस। अगर आप इसे पोस्टीरियरली देखते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोस्टीरियरली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कॉन्डाइल्स के जस्ट अबव यहाँ पर आपको चार डिप्रेशन देखने के लिए मिलते हैं, एक दो तीन और चार, चार डिप्रेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये चार डिप्रेशन किसके लिए हैं, ये चार डिप्रेशन आपके सिस्मॉइड बोन्स के लिए होते हैं। प्रॉक्सिमल रो की जो सिस्मॉइड बोन्स हैं वो यहाँ पर आकर आपकी अटैच होती हैं। ठीक है, तो ये वो चार आपके डिप्रेशन हैं। इसके साथ आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड जो है वो खत्म होते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट में आपकी स्मॉल मेटाकार्पल बोन की। तो कैटल के अंदर मैंने जैसा कि बताया स्मॉल मेटाकार्पल बोन क्या होती है, फ्यूज्ड होती है। अब इस बोन की पोजीशन क्या है, किस जगह ये प्रेजेंट है, बेसिकली स्मॉल पीस ऑफ बोन है और ये जो प्रेजेंट होती है ये आपके पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होती है लार्ज मेटाकार्पल के। तो ये वाला एंटीरियर था तो ये क्या हो गया, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर के पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट पे ये जो प्रेजेंट है ये क्या है आपकी स्मॉल मेटाकार्पल, ये जो है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल मेटाकार्पल है ये अगर आप देखेंगे प्रॉक्सिमल एंड बताया मैंने ये, ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड पे ये आपकी कैसी होती है, ब्रॉडर। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे क्या होती जाएगी, डिस्टल ये कैसी होती जाएगी, नैरो होती चली जाती है और ये फ्यूज्ड होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये आपको कैसी देखने के लिए मिलेगी, फ्यूज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल एंड पर आपकी कैसी है, ब्रॉडर है और फिर ये फ्यूज्ड हो जाती है। इतना ही है स्मॉल मेटाकार्पल में, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती नहीं है। मेनली जो आपको याद रखनी है वो है आपकी लार्ज मेटाकार्पल, क्योंकि लार्ज मेटाकार्पल ही या फिर कैनन बोन आपकी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पर ये मेटाकार्पल आपकी कंप्लीट होती है। एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेस्ट स्टडी।